ब्रेक वाले पर फिर आपका स्वागत है। तो आज वैसे भी ट्रेड तो खैर नहीं करना चाहिए, आज तो वेट एंड वॉच वाला है, थोड़ा चौपी सेशन भी रहने वाला है। रेंज आपके सामने हमने रख दी 10,300-10,180। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ वादा के ट्रेड जानना चाहते हैं, बेहतर समझना चाहते हैं, तो आपके सामने उतार रहे हैं। लेकिन ठीक उससे पहले, ये कल के सौदे हैं जिन्होंने आपको अच्छा रिटर्न दिया। कल बाय सेल दोनों का कॉम्बिनेशन था और दोनों ने ही मुनाफा दिया। कल डीएलएफ टू बिकवाली की राय 28,000 रुपये आए। टाटा स्टील भी टूट के आपको पैसे दे गया, लेकिन चला कैस्ट्रॉल 1.5% के इजाफे के साथ 8,500 आपके पॉकेट में पहुंच गए। कल वॉलेटाइल चौपी सेशन, लेकिन मुनाफे में किसी तरह की वॉलेटिलिटी नहीं, ये एक तरफा आपकी जेब की ही तरफ है। और अब आज के दो मेहमानों से वादा की कुछ कॉल्स, आशीष चतुर्मोता, ब्रजेश सिंह, दोनों से जानते हैं आज की कुछ बेहतरीन वादा की कॉल्स। आशीष, आपसे शुरू करें आज के आपके दो शेयर। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले लॉन्ग कॉल होगा माइंडट्री के अंदर में। हम देख रहे हैं काफी स्ट्रांग एक मंथली पैटर्न, मंथली ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर में हुआ है। और हमने देखा डेरिवेटिव्स में पिछले 3 दिनों में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है। तो 552 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजिशन बनानी चाहिए। 590 के टारगेट्स माइंडट्री के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कॉल मेरा सेल कॉल होगा कैपिटल फर्स्ट के अंदर में। हम देख रहे हैं एनबीएफसी के अंदर में एक अच्छा खासा दबाव बन रहा है, और खास तौर पर जिस तरह से यील्ड्स, बॉन्ड यील्ड्स जिस तरह से बढ़ रही है, ये इनके लिए काफी नेगेटिव है। उसका क्लियर रिफ्लेक्शन हमें डेटा में देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 दिनों से कैपिटल फिश करेक्ट हो रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप इसके अंदर बना है। तो इसके 680 के एक स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 645 के टारगेट्स कैपिटल फर्स्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, माइंडट्री बाय है, 590 की कॉल है। एक नेस्ले भी एक शेयर है, एक बार आप नोट कर लें आशीष का, 8150 का टारगेट है और कैपिटल फर्स्ट का जो टारगेट है वो 645 है। इट्स अ सेल कॉल, कैपिटल फर्स्ट 645 इज अ टारगेट। यहां पे आप एक बार आप शॉर्ट पोजीशंस को ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ब्रजेश, आपके शेयर चाहिए। देखिए, जैसे आपने सीमेंट सेक्टर में बात की तो उसमें एक अल्ट्राटेक सीमेंट चार्ट पे अच्छा लग रहा है, लगभग 42.75 के आसपास में बंद हुआ है। बट मुझे सर पे बाई ना करें, थोड़े डिप में बाई करें। 42.25 से लेकर 42.30 के आसपास में अगर आता है देन ओनली बाई कॉल एग्जीक्यूट करें। योर स्टॉप लॉस वुड बी 41.75, योर टारगेट वुड बी 43.50 फॉलोड बाई 4400। एनी क्लोजिंग अबव 4400 स्टॉक कैन मेक अ न्यू 52-week हाई। वो बात के सत्र की रहेगी कि अगर वो 4400 के ऊपर बंद देता है तो चांसेस हैं एक बार स्टॉक 4800 के ऊपर भी जाके आपको आने वाले दिनों में देखने को भी मिले। दूसरा जो स्टॉक्स रहेगा वो इलाहाबाद बैंक है। इट्स अ सेल कॉल। इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज होते हैं 50 डे और 200 सिंपल मूविंग एवरेज, उसके नीचे बंद हुआ, बैंड के नीचे बंद हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज थे। ऑल दिस पैटर्न इंडिकेट्स द नेगेटिविटी फॉर द स्टॉक। तो 71-75 रुपये पे बंद हुआ है, या तो मौजूदा स्तर या फिर 72 रुपये पे आप सेल कर सकते हैं। 73-50 रुपये का स्टॉप लॉस ले सकते हैं और 69 वुड बी माई टारगेट। ठीक है, एक बार आपको बता दूं 69 का टारगेट है इलाहाबाद बैंक पे, इसको आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 69 इज एन टारगेट एंड 73 इज एन स्टॉप लॉस, आप इसको रख के शॉर्ट कर सकते हैं इलाहाबाद बैंक को। पीडी लाइट की 860 की पुट है, ये आपको बता दूं 35 रुपये का टारगेट के हिसाब से आप सौदा खड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। ये वादा की बहुत सिलेक्टिव कॉल्स है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 35 का टारगेट है, 9 रुपये का एक स्टॉप लॉस है, 19 की रेंज पे आपको मिल जाएगा। तो आशीष की कॉल माइंडट्री बाय, नेस्ले बाय, कैपिटल फर्स्ट शॉर्ट। ब्रजेश की कॉल अल्ट्राटेक बाय, इलाहाबाद बैंक सेल, पीडी लाइट के पुट आपको प्लस करनी है। बहुत ही सिलेक्टिव ट्रेड्स, इनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको मैं वो शेयर्स दिखाता हूं जो आज वादा में बैन है, इनमें आप आज ट्रेड ही मत लीजिएगा। हालांकि लिस्ट कल वाली है, कोई एडिशन कोई डिडक्शन यहां पे नहीं हुआ है, तो कल वाले ही शेयर्स हैं जो वादा बैन में है। एचडीआईएल, आईआरबी, जेट, जैन एंड फोर्टिस, जेपी भी है इसके अंदर, तो ये सारे के सारे वादा बैन में है। आज के कुछ ज्यादा फोकस वाले शेयर हमने वादा के वो भी आपके सामने निकाले हैं, जरा वो शेयर्स भी आप देखिए। यूबीएल, श्री सीमेंट, क्योंकि सीमेंट का मोमेंटम है, ओएनजीसी पे रिपोर्ट आ गई है, ओएफएफएस यानी कि ओरेकल फाइनेंस, कल हमको बता के गए थे हेमंत ठुकराल की आईटी के अंदर, छोटी आईटी कंपनी में ये ध्यान रखें। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट में कल का सेटअप काफी अच्छा है इस ब्लॉक डील के बाद। इसमें यूबीएल पे आप क्या करेंगे आशीष, आज का एक्शन वाला शेयर है ये? देखिए, ओवरऑल इस पूरे स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ, और यूबीएल पहले पिछले कुछ दिनों पहले काफी स्ट्रेंथ दिखी थी और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चल गया है। मेरा ये मानना है कि यहाँ से डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। 1000 रुपीज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये लेवल्स अगर से ब्रेक नहीं होते तो इवेंचुअली ये स्टॉक 1100-1150 के स्तरों को छूने की क्षमता रखता है। ठीक है, एक बार ओएनजीसी पे रिपोर्ट आ चुके हैं 225 का, यूबीएल 1000 का सपोर्ट है, श्री सीमेंट के अंदर कल का अच्छा सेटअप है, इन सभी शेयर्स पे आज आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस हो जाना चाहिए। एक और शेयर यानी कि एसबीआई कल एक अच्छा मोमेंटम के साथ क्लोज करके गया था, आज ये बढ़ेगा या टूटेगा एक बार देखना होगा। ब्रजेश, एसबीआई बताएंगे आज क्या करना है इसमें?
से इंट्राडे के लिहाज से तो मैं ये कहूंगा कि स्टॉक का डाउन सपोर्ट 305 306 के आसपास में आ रहा है, ऊपर में समवेयर अराउंड 320 321 वुड बी द रेजिस्टेंस। एनी डिप कैन बी यूज फॉर अ बाइंग पर्पस। अगर 310 के नीचे ट्रेड करता तो 305 का स्टॉपलॉस लेके 318 320 के लिए डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इस बीच एक खबर और है कि सीआई ऑटोमोटिव में करीब 5% हिस्सेदारी एमएनएम ने बेच दी है। ये यूरो टर्म से बिकी है और 15 करोड़ यूरो में ये हिस्सेदारी को बेचा गया है और एक 5% हिस्सा है। आशीष, एक बार एमएनएम के चार्ट चेक करें। एमएनएम सीआई भी हालांकि लिस्टेड है अपने आप में, जरा दोनों के चार्ट देख के बताएं दोनों में क्या करना है, एमएनएम एंड एमएनएम सीआई। देखिए एमएनएम तो काफी एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर है, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं स्ट्रांग कंसोलिडेशन में चल रहा है, ब्रेकआउट की बिल्कुल जोन पे खड़ा है। 1430 के ऊपर जैसे ही निकलता है मेरा ये मानना है स्टॉक 1490 से 1500 के स्तरों को छू सकता है। ऑन डाउन साइड 1380 का एक स्टॉप रख के लॉन्ग पोजिशन जो है इसके अंदर में हम रिकमेंड कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल्स भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर काफी अच्छी एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। महिंद्रा सीआई ऑटो की अगर से बात करें तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक है, बट स्टिल अभी भी एक ब्रेकआउट इसके अंदर पेंडिंग है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर से ये स्टॉक की 3 से 4% की बढ़त और यहां से दिखाता है तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम महिंद्रा सीआई ऑटो के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक बार वेट एंड वॉच होगा, लेकिन 3 से 4% शेयर चल गया तो फिर बहुत तेज चलेगा महिंद्रा सीआई। तो वैसे भी आज वेट एंड वॉच, अर्निंग, चॉपी सेशन, ये कुछ आपको ज्यादा मार्केट में दिखेगा। सिलेक्टिव होइएगा, शेयर छोड़ने में विश्वास कीजिएगा, जहां पे कन्विक्शन ज्यादा है वहीं पे ध्यान रखिए। और एक कन्विक्शन वाला शेयर टुडेज ट्रेड आपके सामने रखते हैं, आज भी है, जानिए आज का शेयर। बताएं रजत आज का शेयर। केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है बोडल केमिकल। देखिए नतीजे आए, नतीजे फर्स्ट वीक में देखने में उतने एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन ये बता दो कि जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी अब फैक्टर है इस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस पर, वही नतीजों पर रिफ्लेक्ट भी हुआ है। मैनेजमेंट का खुद कहना है कि यहाँ पर जो कंपनी के नतीजे हैं वो सुधरते हुए नजर आएंगे और हो सकता है FY19 FY20 तक यहाँ पर एनुअल जो कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है हम मान रहे हैं वो लगभग 25 से 26% की इस कंपनी में देखने को मिले। अब टेक्निकली इम्पोर्टेंट ये है कि 168 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 5 सत्रों के डिलीवरी वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं, गुजरात बेस्ड कंपनी है और इन्हीं स्टॉक्स पे हो सकता है कि बेट पॉजिटिव साइड पे लगती हुई नजर आए। मार्च 2018 तक एक प्लांट का क्षमता विस्तार है, उसकी कैपेसिटी 50% कंपनी बढ़ा रही है और वो पूरी हो जाएगी मार्च 2018 तक, यानी कि उसकी भी अर्निंग्स में जो इम्पैक्ट है वो रिफ्लेक्ट होगा अगले साल की अर्निंग्स में। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रेडर्स हो सकता है लोअर लेवल से इस पर्टिकुलर स्टॉक पे बेट जो है वो पॉजिटिव साइड पे लगाएं। अगर कोई डिप भी आ जाती है तो खरीदारी का मौका है। 167-168 का मजबूत सपोर्ट जोन है, उसी के आसपास का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस और टारगेट्स हो सकते हैं 182 के स्टॉक पे देखने को मिले। SBI कैप की अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने भी यहां पर बाय का टारगेट दिया है, लेकिन उनकी पोजिशनल कॉल है, वो मानते हैं कि स्टॉक में अपसाइड पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है और 206 तक के टारगेट्स बोडल केमिकल पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लगाइए ₹3 का स्टॉप लॉस, ₹13 का टारगेट, बोडल केमिकल आज का टुडे स्ट्रेट, नंबर्स के बाद भी अच्छा चल सकता है।